हेलो एवरीवन। तो बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी कैसे मोमेंटम कर सकता है, मंडे को मार्केट क्या करेगा, किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आपने पूरी तरीके से मुझे नहीं देखते हो, फिर अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपको ये पूरा पूरा पैसा मिल चुका होता आई थिंक होप, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बोला था 37,850 के ऊपर मैंने आपको मार्केट को बाय करने के लिए बोला था, क्लियरली बोला था, स्टोरी में बोला था, यूट्यूब पे बोला था, और हर जगह पर आपको बता दिया था। और यहाँ से 1,000 पॉइंट का मोमेंटम, और बहुत से लोगों ने कैच किया, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए थे, सर आपकी वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, आपकी वजह से ही पैसा मिला, वरना नहीं मिलता, हमें नहीं पता था, ये सारी चीजें हो चुकी है। अगर आपने इसको नहीं फॉलो किया है तो आज छोड़ दो, क्योंकि क्या है कि जो नहीं किया उसके पीछे भागने से कोई नहीं होता, जो आने वाले टाइम में हम कर सकते हैं उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बड़ा पैसा कमाया जा सकता है आने वाले टाइम में भी। अभी के लिए मार्केट का अगर देखते हो तो 38,700 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है, 700 इसके पास मार्केट की क्लोजिंग दिख रही है हमें। अब मार्केट में हो क्या सकता है फिर देखने की कोशिश करते हैं। एज पर अगर ग्लोबल मार्केट में देख रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होते हुए दिख रहा है। मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचूंगा कि मार्केट में होने क्या वाला है, मैं जो चार्ट पे प्रोबेबिलिटी दिख रही है उसके पीछे देखने की कोशिश करूंगा, ताकि मैंने अभी भी कोई एनालिसिस नहीं किया, मैं सामने से बैठकर आपके कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी, मेरे भी फ्रेशर है मेरे लिए भी, क्योंकि मार्केट का काम क्या मोमेंटम होने वाला है ये मुझे देखना पड़ेगा उस तरीके से। अगर सोचो कि अभी मार्केट 38,000 पे हो रहा है, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप हो जाता है, अगर मार्केट ऊपर गैप अप हो गया, तो गैप अप अगर मार्केट हो जाता है तो कितना पॉइंट हो सकता है नॉर्मली, ये आप ना जज कर सकते हैं ना मैं जज कर सकता हूँ, लेकिन एक अगर देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर 300 पॉइंट ओपन होता है तो ऊपर की साइड में हमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा जो आता है 39,000। तो 39,000 एक राउंड नंबर है, वहां पर हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है इजिली मार्केट में। तो 39,000 पे अगर मार्केट जाता है तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा देखा जा सकता है, क्योंकि मार्केट का देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट इसी जगह पर अगर फ्लैट ओपन होता है ये सेम जगह पर, तो अगर फ्लैट ओपन होकर अगर ये ऊपर के साइड में 38,720 730, मतलब इसके अगर लगा लो कि 730 अगर ये क्रॉस कर जाता है, तो आपको एक अपसाइड मोमेंटम के लिए और एक बार एक मोमेंटम मिल जाएगा। वो अपसाइड मोमेंटम हम ज्यादा बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हो चुका है, मार्केट काफी नीचे आया था, काफी नीचे आने के बाद उसके बाद मार्केट ऐसा ऊपर गया, तो इसके बाद और ज्यादा एक्सपेक्ट करना थोड़ी सी गलत हो जाएगा, क्योंकि एनालिसिस के अगेंस्ट चला जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा गलत दिख रहा है। इसके ऊपर जाने के बाद अगर आपको 100 से 150 पॉइंट का 100 150 पॉइंट अगर प्रॉफिट मिल जाता है, तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक करने की कोशिश करो, यहां से निकल जाओ, क्योंकि मार्केट में मुझे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि 39,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड मार्केट ने कम टाइम में थोड़ा सा ज्यादा मोमेंटम किया है। इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजों को देखकर ट्रेड करना पड़ेगा, कि मार्केट अगर छोटे पीरियड में ज्यादा मोमेंटम करता है तो सोचना पड़ेगा। अब तीसरी चीजें क्या रहेगी कि देख सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, तो अब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, जो लेवल आपके लिए निकल के आएगा कहीं ना कहीं 38,250 300, इसके बीच में अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो वापस एक अपसाइड मोमेंटम के लिए मार्केट में ट्रेड ले सकते हो, जो कि आपको मार्केट लेके जाएगा वापस, कहीं ना कहीं मार्केट लेके जा सकता है 38,600 700 ये लेवल के पास पास ज्यादा दिखता है, लेकिन मैं 600 इज माय मेजर, इसके यही मैं टारगेट ले सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं टारगेट मार्केट में ले नहीं पाऊंगा। अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो अपसाइड के लिए ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हो। ये चीजों को अंडरस्टैंड करो कि मार्केट तीनों सिनारियों में क्या कर रहा है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है, लेकिन मार्केट ने जो फ्राइडे के दिन पर मोमेंटम किया है वो पॉजिटिव में मार्केट ने थोड़ा सा एडिशनल हमें डाटा दिया है, कि मार्केट ऐसे गिरते हुए नीचे आ रहा था, फिर उसके बाद ही मार्केट ने एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बना दी है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से और भी ऊपर जाने के लिए ट्राई कर सकता है, मार्केट जा सकता है, लेकिन याद, हमेशा एक बात आपको याद रखनी चाहिए, जो सबको याद रखनी है, कि मार्केट जब भी नीचे गिरता है तो हमेशा फास्ट गिरता है, लेकिन मार्केट जब भी ऊपर जाएगा, मार्केट जितना फास्ट गिरता है उतनी तरीके से ऐसे ऊपर नहीं जा सकता। अब उसके लिए मार्केट को करना क्या पड़ेगा, मार्केट को करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाकर फिर एक बार पुल बैक करके वापस मार्केट क्रॉस कर सकता है। ये लेवल को अंडरस्टैंड करो, ये मोमेंटम देखकर मार्केट में कभी भी ज्यादा और एक्साइटमेंट के साथ मार्केट को फिर से सेम ऐसे ही मार्केट ऊपर जाएगा इस तरीके से कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट का सिनारियो उसी तरीके से बन रहा है, मार्केट उसी तरीके से जाने की सोच रहा है। अब मार्केट अगर कंटिन्यूसली ऐसे जाता रहता है तो फिर इसको मार्केट नहीं बोला जाएगा, रॉकेट बोला जा सकता है। तो दिस इज नॉट अ रॉकेट, इसमें बाइंग सेलिंग होती है, बायर से मार्केट को ऊपर लेके गया। अगर सोचो मार्केट, मैंने आपको गैप ओपन बोला कि मैं यहाँ पर एक बार क्लियर कर देता हूँ एंड वापस एक बार समझने की कोशिश करो, अगर मार्केट सोचो कि कल गैप अप हो जाता है तो बहुत से लोग मार्केट में क्या सोच के गए होंगे आज के फ्राइडे के दिन पे, तो थोड़ा सा मार्केट आप डिटेल्स में देखने की कोशिश करते हो, तो जो लोग मार्केट को बाय करके गए होंगे, जो ओवर एक्साइटमेंट में मार्केट को बाय करके गए होंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है कहीं ना कहीं, तो क्या करने की कोशिश करेंगे, सब लोग प्रॉफिट को बुक करना कोशिश कर देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में यह आने लगेगा कि रातों रात इतना पैसा बन रहा है तो मार्केट में प्रॉफिट को बुक करो एंड फिर यहां से निकल जाओ, तो यह पैसा आपके हाथ में नहीं आने वाला। तो अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आकर मार्केट थोड़ा नीचे आने की भी ट्राई कर सकता है। तो सारी चीजों को प्लान आउट करो, अपने लेवल्स को फाइंड आउट कर लो, मार्केट कहाँ जाने का वाला देखो, आपकी पहले एनालिसिस रेट देखो एंड फिर जाकर ट्रेड करो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वही चीजें जिताएगी जो आप पहले से प्रैक्टिस करके रखो। आप डेली मार्केट में ट्रेड तो करते होंगे, लेकिन
हर दिन कोई ना कोई एक चीज होती होगी जिसके ऊपर आपकी पकड़ बनी रहनी चाहिए, वही आपको आने वाले टाइम में पैसा देती है। होप आप समझ गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट शोर में। बाबा, टेक केयर।